सभी हम जानते हैं कि जो भजन संहिता है वो हमको एक बहुत सारे चीज़ों में हमको गाइड करता है, हमको रास्ता दिखाता है। और हमेशा मैं बोलता हूँ भजन संहिता ऐसे एक पुस्तक है जो पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिलता है और सिखाने के लिए भी मिलता है। तो आज का जो भजन संहिता है जो हमने पढ़े हैं वो हमें एक व्यक्ति किस तरीके से परेशानी रहता है और किस तरीके से उसको मदद के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर को पास जाएं और हमारा जो परेशानी है उसको परमेश्वर के सामने रखें। बाइबल बताता है इंसान को विश्वास करने से कई गुना अच्छा है परमेश्वर का साथ विश्वास करें, परमेश्वर का सामने रखें। लेकिन ये भी आपको जानना है कि ईश्वर जो भी मदद करता है वो इंसान का जरिया से ही करता है, वो सीधा आपको मदद नहीं करता, इंसानियत को देखते हुए इंसान को ही भेजता है, इंसान ही इंसान को मदद करता है। ये हमें सुनिश्चित करना है, ये हमें विश्वास करना है या परमेश्वर को रखना है। और परमेश्वर जरूरत का समय में कोई ऐसे बंदा को तैयार करेगा हमको हमारा मदद के लिए, ताकि वो राइट टाइम में राइट व्यक्ति के पास जाएगा और राइट काम करेगा। वो बहुत जरूरी है, जो चीज हमको जरूरत है वो चीज पूरा होएगा। देर होता है लेकिन काम जरूर होगा। इसलिए ईश्वर का वचन बताता है पेशेंस रखो, धीरज रखो, व्याकुल मत हो, व्यस्त मत हो। अगर एक बार हम प्रभु को भरोसा किया है तो भरोसा में हमें विश्वास करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमें अगर कहीं पर जरूरत है, कहीं पर मुसीबत में है, तो हमें प्रभु के पास जाएं और प्रभु को हमारा सारे परेशानी उनका सामने रखें और हम विश्वास करें और उसी हिसाब से हम कर्म करते रहें और प्रभु हमको जरूर उसी परेशानी से मुक्त करेगा। यहाँ पर लिखा है मैं जिस रास्ता पे जा रहा था और उसी रास्ता में मेरा दुश्मन जाल बिछाया है, मेरा दुश्मन कांटा बिछाया है, मेरा दुश्मन खड़ा है। और ये भी बता रहा है कि मेरा दुश्मन मेरे से कई गुना बलवान है, कई गुना सामर्थ्य है, कई गुना ताकत है, मैं उसको मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। खुद स्वीकार कर रहा है और हमें स्वीकार जरूर करना है कि हमें सारे सच सारे फैक्ट प्रभु के सामने रखना है। तो प्रभु जानेगा कि हमारा अंदर क्या चल रहा है। हमें गर्व नहीं करना है मैं ताकतवर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु मेरे को तू बोल दिया, मेरे को तू ज्ञान दिया, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ। नो, हमें नम्र होना है, हमें प्राउड रहना है, हमें घमंड नहीं करना है, हमें नम्र होकर प्रभु का सामने रखना है। और प्रभु सामर्थ है, जो व्यक्ति मेरा रास्ता में जाल बिछाया है उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता बेहतर, लेकिन प्रभु बेहतर जानता है। प्रभु उसका माइंड में क्या चल रहा है जानता है, प्रभु उसका दिल में क्या चल रहा है जानता है, और प्रभु जानता है कि वो व्यक्ति मेरा ऊपर क्या करेगा, कैसे हमला करेगा, कैसे मेरा नुकसान पहुंचाएगा, वो ईश्वर जानता है। इसीलिए ईश्वर के पास, प्रभु के पास हमारा सारे परेशानी सामने रख दे, प्रभु उसको जरूर हाथ करेगा। इसीलिए हमें आने वाले समय में खुद को हमें प्रभु को समर्पित करना, प्रभु करे बोल रहे हैं सब कुछ तो मेरा पास समर्पण कर, देख मैं तेरे को ख्याल रखने वाला मैं क्या करता। लेकिन हमें इंसान
बहुत लालच रखते हैं, अरे बहुत घमंड रखते हैं, बहुत प्राउड करते हैं, हमारा ज्ञान के लिए हम प्राउड करते हैं, हमारा धन दौलत के लिए हमें प्राउड करते हैं, हमारा संपत्ति के लिए हमें प्राउड करते हैं, हमारा लोगों के लिए, हमारा पावर के लिए हम प्राउड करते हैं। नहीं, हमें कभी भी ये सब चीजों के लिए हमें गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना, हमें नम्र होकर प्रभु के पास आना है। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा और सारे परेशानी से हमको मुक्त करेगा और हमको सामर्थ्य देगा और हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में रहने के लिए मदद करेगा। और वही व्यक्ति जो आपके लिए दुश्मन साबित हुआ था, वो खुद आपके पास आएगा और बोलेगा, मैं आपका बारे में उल्टा सीधा में बोल रहा था, उल्टा सीधा में काम कर रहा था, मेरे को पता नहीं था, और मेरे को माफ कर, वो जरूर माफी मांगेगा। और एक प्रभु ये भी करने के लिए सहमत रखता है, वो बंदा साहस का साथ आएगा और हाथ मिलाएगा। ये भी एक प्रभु का काम है। प्रभु का काम सिर्फ हाल नहीं करना है, समझ लो, हाल करके एक माहौल भी बनाना है, ताकि इस माहौल में सभी भाईचारा और प्यार मोहब्बत से रह सकते। और वही परमेश्वर का राज्य है। हम परमेश्वर के राज्य को जब हमें तमन्ना कर रहे, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सोच रहे हैं, वही परमेश्वर का राज्य है जहां पर दुश्मन का साथ मिलकर शांति और प्यार मोहब्बत का साथ रहते हैं, वही परमेश्वर का राज्य है। जहां पर दुख दर्द एक दूसरे से बांटते हैं, जहां पर संपत्ति एक दूसरे से बांटते हैं, जहां पर पावर एक दूसरे से बांटते हैं, कोई घमंड नहीं करता है, कोई गर्व नहीं करता है, कोई एक दूसरे से सताता नहीं, एक दूसरे से मारपीट नहीं होता, सभी एक दूसरे से समझते हैं, एक दूसरे से ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखते हैं और सारे संपत्ति बांट फूट कर खाते हैं, वही परमेश्वर का राज्य है। ऐसे राज्यों बाइबल आशा करता है, ईसाई लोग ऐसे राज्य को आशा करते हैं, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि देश में ऐसे एक देश हो, ऐसे एक माहौल बने, ताकि सभी इंसान एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें और धर्म जात से उठकर एक दूसरे से इंसानी नाते एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें, एक दूसरे से बात उठाए, कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो, सभी लोग खाने पीने में जरूरत, अपना जरूरत ठीक समय पर पूरा हो सकते हैं, हर बच्चे बेहतर जिंदगी जिए, हर औरत बेहतर जिंदगी जिए, हर आदमी बेहतर जिंदगी जिए, हर परिवार खुशहाली रहे, हर परिवार में एक शांति आनंद प्यारमत मोहब्बत आए, हर दुख दर्द एक दूसरे से बांटे, यही राज्य परमेश्वर का राज्य का हम आशा कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें प्रार्थना करें, दुआ करें और प्रभु को सारे सामान सारे चीज प्रभु के सामने रखे, ताकि प्रभु सभी हाल करने वाला है, प्रभु सभी को आशीष दे, ताकि आने वाले समय में हमें बिना झिझक बिना डर प्रभु के पास जाए और अपना सच, अपना दिल की बात सच प्रभु के सामने रखे और प्रभु हमको मदद करेगा और ये माहौल ऐसे बनाएगा जहाँ पर हम एक शांति आनंद और प्यार मोहब्बत ले सके। ये टेस्टिमनी